नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी और टेस्टी साग। बनाना इतना आसान कि कोई बच्चे भी इन्हें बना ले और खाने में इतना टेस्टी कि हर कोई पसंद करेंगे खाने में। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 3 मुट्ठा ये साग है। ये मिक्स साग मिलता है बाजार में। ये राय और पालक चमसुर है, ये देखिए इस तरह का। ये एक ही जगह बांध कर बेचते हैं लोग। यदि आपको ना मिले तो अलग अलग भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह का होता है ये मुट्ठा, इस तरह का मुट्ठे में मिलता है, तुरंत खेल कर और बेचता है। बहुत ही फ्रेश रहता है साग और ये साग का कोई कंपेरिजन नहीं है और दूसरे साग से। तो ये साग मैंने 3 मुट्ठा लिए हैं और अच्छी तरह से साफ करके पानी से 3-4 बार धो लिए हैं और इस तरह से डंठल भी काट लिए हैं पहले धोने से पहले। अब साग को मोटे मोटे टुकड़े में काट लेते हैं, बहुत बारीक भी नहीं बहुत मोटे भी नहीं। तो देखिए मैंने इस तरह से काट लिए हैं। तो चलिए अब गैस की तरफ पकाते हैं इन्हें। तो गैस पर एक पैन में तेल डालकर 1 चम्मच और गर्म होने के लिए रख लिए हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इनमें डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच जीरा और जीरा को चटकने देते हैं। तो अब डालते हैं इनमें हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च को भी इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं थोड़ी देर। तो अब मिर्च पक चुकी है, इनमें मैंने 1 पिंच हींग डाल ली है। यदि आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो अवॉइड करें। तो अब इनमें डालते हैं साग। साग एक बार में नहीं जाएगा ये पैन में, तो आधा आधा करके डाल लेते हैं। पहले आधा को ढककर थोड़ा गला लेते हैं, फिर रखेंगे बाकी का। तो ढक देते हैं इन्हें। साग को थोड़ी देर ढककर पका लिए हैं, जगह बन गया है अब पैन में। तो डाल लेते हैं बाकी का और इन्हें भी ढककर पकने देते हैं, फिर नमक डालेंगे। तो देखिए मैंने साग को ढककर 1 मिनट पका लिए हैं, कितना गल गया है ये साग, और भी ये आधा से भी कम हो जाएगा साग। तो इसीलिए मैंने अभी नमक डाल रहे हैं, इसमें 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल रहे हैं। बहुत और गल के कम हो जाएगा साग, तो इसीलिए नमक कम डालें, नहीं तो साग नुनीला हो जाएगा, या अपने स्वाद के अनुसार से डालें। तो अब साग को 1-1.5 मिनट और ढककर पकाते हैं। तो ढक देते हैं इन्हें। तो साग को मैंने 1-1.5 मिनट फिर से ढककर पका लिए हैं। साग बहुत कम हो चुका है और पानी अब सूखने तक इन्हें पका लेंगे। फिर से 1-1.5 मिनट ढककर पका लेते हैं और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे साग को, क्योंकि अब साग में बहुत कम पानी बचा है, नहीं चलाएंगे तो जल भी सकता है। तो इस तरह से चलाते हुए साग को पकाएंगे हम। तो अब देखिए साग हमारा पक चुका है, पानी भी सूख चुका है। तो अब हम इनमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल, और तेल डालकर इस तरह से एक बार चला लेते हैं और ढककर 1 मिनट और पका लेंगे साग को। ढक देते हैं साग को और 1-1.5 मिनट पकने देते हैं। तो देखिए 1-1.5 मिनट पका लिए हैं, फिर से साग को चलाते हुए पकाए हैं बीच बीच में। तो साग पक चुका है, देखिए देखने से ही पता चल रहा है। इससे ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है। कई लोग साग को पूरे पानी जलने तक पका लेते हैं, तो विटामिन भी चले जाते हैं और खाने में भी उतना टेस्टी नहीं लगता है। साग बिल्कुल परफेक्ट पका है, देखिए कितना खिला खिला है साग। तो चलिए अब सर्व करते हैं। साग पकाना बहुत ही आसान है और उतने ही टेस्टी है। तो कई लोग खाते भी होंगे ये साग, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये शेयर किए हैं कि आप बाज़ार में देखें तो ज़रूर इन्हें खरीद कर और पकाएं। ये साग बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं साग, कोई कंपेरिजन नहीं है दूसरे सागों से। तो आप ये साग बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।